हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो छोरो लोंडो लवारो कैसे हो आप? ऐसे इज्जत भी जोर देनी चाहिए आपके। तो भैया इस सेट की भी टेस्टिंग चल रही है, 4% बैटरी अभी इसकी बाकी है। अब मरे जा रहा ससुरा, बैटरी बैकअप काफी यही बता दूंगा गाइस कैसा है, है ना, एक रिव्यू आने वाला है भैया, फाइनल रिव्यू होगा। लेना है सेट या नहीं लेना आपको पता लग जाएगी, इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए गाइस वो बता देंगे। ये भैया कोई मोबाइल वाले रिव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है जो चीज भाई मैं लूं उसको बताऊं कि भाई आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। खैर जो बात भाई साहब, थंबनेल में आपने देख लिया है, आज हम इनका भाई साहब जुगाड़ करने वाले हैं, मतलब इनमें कुछ जुगाड़ करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं आपको इस पता लग जाएगी। तो भैया ये रहा वो, ठीक है। वैसे गाइस जिस तरीके से मैंने फेंके हैं, खराब बेशक ना हो लेकिन भाई हो सकता है अब हो गए हो। तो भैया सबसे पहले भाई हम इसको लेते हैं। भाई ये मैं 5 चीज लाया था 300 रुपए की। भाई से की मानिए जो ब्लड प्रेस वाली मशीन थी ना मेजर करने वाली, भाई 300 रुपए थे मेरे, उसने ही वसूल कर दिए थे। तो यार काफी खुशी हुई दिल से, तो कोई भी चीज गाइस हमारी वेस्ट नहीं रही, है ना। तो भाई ये रही एक लाइट, ये आई थिंक ब्लूटूथ वाला सिस्टम है इसके अंदर, इसका रिमोट गाइस हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन भाई देखते हैं कि ये चालू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मानिए मेरे को लग रहा है इसकी जो एलईडी है ना ये बिल्कुल ठीक है, वरना गाइस ये थोड़ी सी काली पड़ जाती है, कोई सी भी काली नहीं पड़ रही। ये भैया डिम करने के लिए इसे एलईडी को, और इसका ये वॉल्यूम ऑन ऑफ करने के लिए। अब गाइस देखते हैं कि इसके अंदर भाई क्या क्या सिस्टम है, इस पर गाइस हम बात करेंगे। पहले एक को पकड़ेंगे फिर दूसरे को पकड़ेंगे, है ना। तो काफी गाइस मजा आने वाला है। फिलहाल गाइस काफी लोग कह रहे थे इसे यहाँ रखते हैं, काफी लोग कहते समर टी शर्ट लेकर आओ। तो भैया आपको भाई एक टी शर्ट और लेकर आया 99 रुपीज में, ऐसे चल रही थी जो बात है, सच बात है यार, मजाक की क्या बात है, हंस रहे हो ना। 99 में 3 किधर है बंदा पीछे वाला, भाई किसने बोला इसका शक्ल दिखाना जा रहा है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी वाली किट खोलते हैं, उसकी यार बैटरी ठीक है नहीं है ये भी गाइस हम देखेंगे। और भाई मैं कोई से रिपेयर करने नहीं लाया, नहीं ना मैं देख रहा हूँ ठीक है नहीं है। इसके अंदर एक आई सी लग रही है, देखो बाबा 2018। और भाई सारे कनेक्शन लगभग इसके हो रहे हैं, बस इसकी ये वाला है जो पॉजिटिव का कनेक्शन है ये हट रहा है, ठीक है। और बैटरी सबके कनेक्शन कम्प्लीट हो रहे हैं। आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से इसमें हम कोई पेन ड्राइव लगा सकते हैं, देखिए ये रहा पेन ड्राइव, या एचडी कार्ड लगा सकते हैं या ऑक्स, ठीक है। इसमें फंक्शन है ये भाई एक तरह का एम्पलीफायर है, वह इसके अंदर आप चिप भी लगा सकते हो और आप इसके अंदर कुछ जोड़ भी सकते हो इसे आवाज को एम्पलीफाई करने के बढ़ाने के लिए। और ये इमरजेंसी टॉर्च भी है। अब गाइस इसमें कहीं पर आई थिंक स्पीकर होगा नहीं होगा, इसका जो भाई बैक का एरिया जो कवर है भाई वो हमें नहीं मिला, आई थिंक उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आई थिंक ये होगा, ये जो सॉकेट है ना ये स्पीकर वाला ये होगा, लेकिन भाई वो निकल गया। अभी मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ, वो भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा कि होगा, है ना। अब गाइस आप कमेंट करके बताओ कि भाई इसके अंदर क्या क्या और होगा, ठीक है। तो खैर फिलहाल फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, और भैया इसकी बैटरी टेस्ट करेंगे पहले, इसकी बैटरी ठीक है या खराब है। तो भैया पहले देखते हैं इसकी बैटरी ये ठीक है नहीं है, और इसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, देखिए फिलहाल 0.12। तो भैया सबसे पहले इसकी बैटरी निकालते हैं गाइस, ठीक है। लो भाई ये इसका आई थिंक नहीं ये यहाँ से टूटा है ये वाला, और भैया ये जो वायर है ये इस किट में जाएगा। भाई सबसे पहले हम इस बैटरी को चार्ज करके देखते हैं कि भाई ये चार्ज होगी या नहीं होगी। ओ भाई इसका प्लस कौन सा है, बैटरी सही होगी तो चार्ज होने लगेगी, नहीं भाई बैटरी ये खराब है, बिल्कुल खराब बैटरी है, बेकार। उसे उठा लेंगे बाद में, अगर आपको लगेगा कि समझ तो ना भाई कहाँ फेंक दी, नहीं हम ऐसे नहीं फेंक सकते, हमें किसी ने परमिशन नहीं दी भाई इसे फेंकने की, वो बात अलग है हमने किसी से परमिशन ली भी नहीं, अपने स्टूडियो में हमने फेंक दी, सफाई भी तो हमें करनी पड़ेगी। है वाह ता बिल्कुल गला पड़ा है, अब ऐसे आएगा ही काऊ में, ये भाई ऐसा है काऊ में। और ये रहा, और भाई देखते हैं कि चल पाता नहीं चल पाता कुछ, तू भाई कुछ चला तो है, ओए लाले की जान चल गया फेंक रहा। गाइस वैसे तो ठीक लग रहा है ना, वो बात इसकी भाई अलग है कि इसकी सफाई होगी सुथराई होगी, और ये प्लेट मुझे ठीक लग रही है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं लग रही, देख रहे बिल्कुल क्लीन प्लेट है, तो भाई ये बढ़िया है जो बात है। खैर इनका काम तो हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम भाई से इन लाइटों को देखते हैं कि ये लाइट चल रही है नहीं चल रही। तो भैया इसे जैसे निकालते हैं वायर को, इसके में खैर कोई जरूरत नहीं है खास, ये गाइस ठीक लग रही है प्लेट, ठीक है ना। तो भैया इसका कौन सा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव यही वाला है जो मैंने निकाल दिया, ठीक है। और इसका नेगेटिव देखते हैं, थोड़ा वोल्टेज डाउन कर देते हैं, 4 वोल्टेज। ओ भाई चल गई, दो चल गई, दो के तार लग रहे होंगे, देखो इसका भाई कम भी हो रही है, ये रही जा रहे देखो, पहले गए थे भाई हम, क्योंकि भाई दो के तार लग रहे हैं और आई थिंक एक के तार नहीं लग रहे, है ना, एक के तार ये है शायद, है ना, चल रही है अभी, दो की चल रही है, वैसे ठीक होगी ऐसी बात ना, और ठीक ना होगी तो हम ठीक कर भी देंगे। तो ये तो फायदा कुछ होता निकला भाई जो बात है ना, ये ऊपर वाली नहीं चल रही, और आई थिंक ऊपर वाली भी चल जाएगी भाई, इसे खोलना पड़ेगा, दिख रहा है इसमें क्या है,
लो भाई, भाई देखो ये तो बिल्कुल फ्रेश माल लग रहा है देखने से, था यहाँ लगा लो, एक ही बात है। लो भाई ठीक भाई, मस्त काम करिए जो बात है। तो गाइस एक फायदा और हो गया भैया कि ये सारा सिस्टम ठीक है, और गाइस अगर मैं चला के दिखाऊंगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं है। अब यार कौन यूज करता है यूएसबी लगा कर भाई, हाँ लेकिन बहुत से लोग यूज भी करते हैं, लेकिन भाई ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल मस्त है। तो गाइस अगर मुझे मौका मिला तो भाई मैं जल्दी समर एक्सपेरिमेंट पर इस किट को निकाल के जोड़ूंगा, वरना इसके वैसे जो बटन है ना वो भी गायब है, सब कबाड़ में इधर हो गए। तो खैर फटाफट भाई बंद करते हैं, भाई बंद करो वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अब आते भाई इस पर, यार यकीन मानिए मैंने काफी यूज किया था, छोटा सा था, मैं हमारे घर में था, इतना भी यूज नहीं किया, लेकिन हाथ का यूज मैंने काफी किया है। ओ भाई साहब, भाई यकीन मानिए इसमें एक चीज तो भाई ऐसी मिली है, मतलब जितने कबाड़े में ला ना भाई वही काम कर जाएगा। ओ भाई देखो इसमें भाई किट भी लग रही है, जरा बोर्ड, और इसमें भाई एक लगभग एक एम्पियर का ट्रांसफार्मर लग रहा है, और भाई ये इतने सारे पोटेंशियोमीटर, और भाई एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर, और पूरा का पूरा कैसेट वाला मैकेनिज्म, स्विच बंद करो और भड़म भड़ हो जाए तो करंट आ रहा नहीं। भाई तो तुम समझदार हो भाई, ये सुतरा नहीं चल रहा, अच्छा ये ऐसे नहीं चलेगा शायद, चलो हाँ चला चला चला, वायरलेशन आ रही है। अच्छा ओ भाई, ओ चला 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 भाई, चला देखो जरा, हाँ भाई तो डैग बिल्कुल ठीक है भाई, देखो जरा हाँ मस्त चल रहा है भाई, मतलब यार और क्या लोगे भाई, इतनी सारी चीजें हम 300 में लगाए कबाड़े से, ओ भाई इसकी सारी चीज ठीक होंगी मुझे पक्के यकीन है। ट्रांसफार्मर गाइस बिल्कुल ओके है, कोई इसका सबूत गाइस ये रहा, मोटर चल रहा है, देखो ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, ठीक है रहा हेरा मस्त ट्रांसफार्मर बढ़िया। तो भाई देखिए इसका सारा मैकेनिज्म अच्छा काम कर रहा है, गाइस ये इसका हेड है ठीक है ना, हमारे पास गाइस कैसेट नहीं है, फिर भी गाइस मैं इसको कुछ मारूंगा ना तो देखिए यहाँ पर एलईडी जलेंगी, देखिए जल रहा है, यानी कि इसका हेड भी ठीक है, देखिए जरा देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो मैं इस पर अलग मारू तो यहाँ पर जो है ना ये रिएक्ट करती है म्यूजिक के साथ, देख गए देख रहा देखो म्यूजिक की वजह, हाँ और भाई इसमें पीछे स्पीकर लगेगा, यहाँ पे कैसेट लगेगी, तो भाई ये तो फायदे की चीज है। तो गाइस यकीन मानिए भाई मेरे पास इस वक्त फिलहाल कोई भी कैसेट नहीं है, वरना गाइस मैं इसमें जरूर चला कर देखता भाई, यकीन मानिए मतलब बहुत ही मस्त चीज है। एक चीज और भाई, इसका कवर कहाँ पर का, देखो भाई पहले का जो टाइम था ना, देखो भाई इसके अंदर स्पीकर भी लग जाते थे भाई, इतनी पतली बॉडी है इसकी, बिल्कुल भाई छिलका, मतलब इससे मोटा केले का छिलका होता है भाई, इसमें 4 इंच इधर और 4 इंच का स्पीकर इधर लग जाता है, और भाई आवाज ऐसी आती है मतलब कि तुम्हारे कान में दर्द कर देगी, बेस नाम कोई चीज नहीं बल्कि स्पीकर के नाम पर लालच भेजोगे आप कि भाई तुमने क्या लगा दिया समर। और गाइस इसकी डेक की कोई इतनी खास आवाज नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी लेवल पर, जैसे आज है ना, मतलब अच्छी थी उस वक्त के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई जो आज है ना, मतलब आज तो भाई अल्ट्रा HD मतलब HD में आप सॉन्ग सुनते हो हेडफोन लगा के, कैसेट में प्रॉब्लम थी कि भाई वो चाप जाती थी है ना, फिर भाई मतलब इस तरह की और अटकना हो गया है ना, या भैया पता लगी कि भैया की आवाज बहुत अलग ही आ रही है ना, जैसी आवाज थी होनी चाहिए ऐसी आवाज है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं कह सकते, ये मस्त चल रहा है। देखो अगर गाइस हमें निकालना पड़ता तो इस गाना में आगे निकालना है तो भैया यहाँ पर ऑप्शन दे रखे काफी सारे, देखिए थोड़ा स्पीड से घूमेगा, देखिए आगे स्पीड से और इसे करेंगे, देखो अब ये घूम रहा है, तो गाइस के दोनों साइड घूमती है लेकिन एक बार में सिर्फ एक साइड घूमती है, इससे आई थिंक रुक जाएगा, हाँ देखो सारा रुक गया, इससे जो है ना चला के देख लेते हैं, आई थिंक ये हाँ ये आई थिंक कैसेट निकालने के लिए है, वही इसमें लगा दी और इसे जैसे यहाँ कर दिया ना, ये कहाँ फंसेगा ससुरो, देखो अब ये फंसा है, और इनमें से कोई सा ऐसा जो खोल लगा इसे, हाँ ये वाला है, देखो यार भाई कितना लग्जरी फील होता था उस वक्त, मतलब ये इतना स्मूथ खुल रहा है, मतलब पहले का जो बना था ना ऐसे मारा बट इधर नीचे, तो भैया लोगों ने दिमाग लाया ये थोड़ा स्लोली खुलना चाहिए है ना, क्योंकि आप जानते हो हर चीज में इम्प्रूवमेंट होते रहे वक्त के साथ साथ, ठीक है अब ये आराम से बंद हो गया। तो भाई ये काफी सस्ता जुगाड़ है, मतलब ये पहले भी काफी सस्ता जुगाड़ था भाई, अभी भी काफी सस्ता जुगाड़ है। तो गाइस कमेंट करके बताओ किस किस भैया ने यूज किया है, और भाई ये लगभग कितने रुपए का होगा आपके हिसाब से, जो गाइस ट्रांसफार्मर आज भी मेरे ख्याल से 100-150 रुपए का तो आराम से मिल जाएगा, लगभग 120-130 रुपए के रेंज में गाइस ये खाली ट्रांसफार्मर होगा, और आई थिंक गाइस ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, देख रहा भाई चेक कर इधर कितना वोल्ट में, देखो भाई सर ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो गाइस 12 वोल्ट का 1 एम्पियर हमें ट्रांसफार्मर मिल चुका है फ्री में, ऊपर से गाइस ये मोटर मिल चुका है 12 वोल्ट का, सारा सारा मैकेनिज्म मिल चुका है इसमें, गाइस इतने सारे स्प्रिंग दे रखे हैं, अलग से गाइस पोटेंशियोमीटर मिल गया है, एक स्विच मिल गया है, एक बैंड स्विच मिल गया है, ये हमें बैटरी के टर्न में मिल गए हैं, एक भाई साहब हैवी लीड, देखिए भाई भाई इसके अंदर लीड देखिए कितनी हैवी लीड लग रही है, देखो मतलब गाइस कितनी पावर की जरूरत है, कितनी हैवी लीड इसके अंदर लगा रखी है भाई, जो छिलका केबल आती है ना गाइस वो भी इसके अंदर काम कर जाएगी, ये भाई जो आयरन होती है ना परेस वाली, वो वाली मैंने लगा रखी है,
मतलब भाई इससे हीटर चला लो, कितनी हैवी हीटर लगा रखी है। मतलब गाइस पहले किस्से में लोग थोड़ा सा हाँ मजबूत लेकर चलते थे चीज को, है ना। अब क्या भाई जितने जोड़ते उससे हल्के लगाते हैं पैसे बचाने के लिए। तो गाइस काफी काम की चीज मिली हमें, इतना साबित नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हो गया। उस वक्त मुझे लग रहा था मैं 300 रुपए दे रहा था मैं थोड़ा लुट जाऊंगा, लेकिन भाई हमें 300 रुपए की सिर्फ एक मशीन में फायदा हो गया। देखो भाई वो बड़ी मशीन अभी मैं उठा करूंगा। इस काफी गंदगी हो रही है भाई स्टूडियो में, मैं जल्दी इसकी सफाई करने वाला। स्टूडियो देखिए कितना सारा हो रहा है, देख रहा ये ना मत देखो ये ना वाले हर कोई पीली चीज वो नहीं होती तुम सोच रहे हो। वैसे गाइस मैं कर आया सुबह ही, ठीक है। तो गाइस इन्हें रखते हैं और भैया मुझे पक्का यकीन है कि इसकी जो किट भी ठीक है, पहले कंप्लीट ठीक है। किसी भैया ने इसे फेंक दिया बेचारे को लावारिस समझकर कि भाई हमारे किस काम के थे, कौन डैग में बजा रहा, किसके पास कैसेट रखी है। तो गाइस अगर मुझे कैसेट मिली ना भाई मैं इसकी कैसेट जो ढूंढूंगा, मुझे पता नहीं थी ठीक है। तो भाई मैं इसकी कैसेट ढूंढूंगा और गाइस जल्दी एक कैसेट आपको चला के दिखाऊंगा गाने के तौर पर, है ना। मतलब काम कैसे करता है गाइस, आपको इसका ब्लॉग चाहिए तो भाई आप मुझे कमेंट करके बताइए जिस तरह मैं बना सकूं, वरना गाइस अगर नई चीज मैं क्यों बनाऊंगा, खामे का आपको अच्छा ना लगे तो क्या फायदा, है ना। तो भैया अगर आप कहोगे तो गाइस मैं मेहनत करूंगा, इसकी जो कैसेट है वो ढूंढूंगा और गाइस एक गाना वाना प्ले करोगे मजा सा आएगा। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को और भाई जरूर बताएं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। गाइस अगर आप 2090s के हो ना तो भाई आपको पुरानी यादें ताजा हो जाऊंगी इस डेक को या टेप को देखकर। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।